हे व्हाट्स अप फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रियल मी डायरी। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, मतलब मुझे लग रहा है बेसिक सी चीज़ है, लेकिन मुझे जो है बहुत उस बंदे ने थोड़ा कहा कि यार प्लीज़ इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं बताता हूँ कौन है। वेनम नाम का है कोई, सो ये रहा, उसने मेरे को कहा कि एक वीडियो बनाओ हाउ टू इंस्टॉल TWRP एंड रूट इन रियल मी UI ऑन रियल मी 3 प्रो। तो बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी उसमें बताया है और रूट में मैं जिस फ्लैश कर दिया, तो उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। और कहा कि मैं बिगनर हूँ, सो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, सो बस इसी यही बताएंगे हम और ज़्यादा कुछ नहीं, सो लेट्स बिगिन। तो यार अभी मैं जो हूँ पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस पे, तो मैंने इसमें NCGUNIX कर्नल फ्लैश किया है और F2FS भी इनेबल करा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, तो एक हम बहुत बढ़िया एक वीडियो बनाने वाले हैं, सो वेट करना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाले हैं, एक और कंपेरिजन वीडियो। सो अभी खैर हम इस वाली वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, तो सीधे चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो मैंने लैपटॉप ऑन कर लिया है और मेरे लैपटॉप में जो है लिनक्स इंस्टॉल्ड है, विंडोज़ नहीं है, सो स्टेप सेम ही है और उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई, वेनम कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, स्टेप सेम है, ठीक है। तो अभी मैं अपने फ़ोन को जो है फास्ट फूड मोड में जो डाल देता हूँ, फास्ट फूड मोड में, तो मेरा फ़ोन जो है फास्ट फूड मोड में आ चुका है और अब मैं इसे केबल से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको केबल से कनेक्ट कर लिया है और अब मैं इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको साइड में रख दिया। अब मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगा, कर रखा मैंने, ठीक है, तो अभी मैं टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, अपना फुल स्क्रीन कर देता हूँ। क्लियर हो गया। सो अब जो है हमें जाना है प्लेटफॉर्म टूल में, ठीक है, जो जिनके पास लिनक्स नहीं है उनके लिए भी ठीक रहेगा, तो मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप क्या करते हो, सीधा डायरेक्टरी में जाते हो, क्योंकि तो लिनक्स में क्या है, ये एक CLI बेस्ड होता है, इसमें सब काम जो है कमांड से होता है, तो विंडोज़ में भी होता है, इतना नहीं, ज़्यादातर GUI बेस्ड रहता है। सो मैंने जो रख रखा है वो है यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, तो ये रहा प्लेटफॉर्म टूल, तो इसमें मैं जाऊँगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, वेनम इसको मैं, हाँ वेनम देखो आपको करना है शिफ्ट दबाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है, तो विंडोज़ में आप पावर शेल ओपन कर लोगे, ठीक है, तो जिसका टर्मिनल तो उसको मैं हिसाब से बताता हूँ। सो यहाँ पे आप नेक्स्ट टाइप करते हैं हमारा डॉक्यूमेंट में, ठीक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में ठीक है, तो अब हम आ गए हैं अपने प्लेटफॉर्म टूल की डायरेक्टरी में, हम आ चुके हैं, ठीक है, तो अब हम जो फर्स्ट कमांड डालेंगे वो है फास्ट फूड डिवाइसेस, तो देखते हैं, हाँ तो ये आपके पास एक रैंडम आईडी आ जाएगी और यहाँ पर लिखा है फास्ट फूड डिवाइस, तो आप समझ जाना कि आपका डिवाइस जो है फास्ट फूड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हमें लिखना है अपनी रिकवरी की कमांड, तो फास्ट फूड /recovery और जो स्पेस देना है, अगर आपने कोई रिकवरी का नाम नहीं रखा है तो आप नॉर्मली उसे ड्रैग करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। सो मैंने उसका नाम रख रखा है, मुझे याद नहीं, हाँ ये रहा TWRP17.img, तो मैंने ये नाम रख रखा है, तो TWRP17.img, ठीक है। तो अगर आप ड्रैग करके करते हैं तो ध्यान रखना स्पेस लगाना है आपको, मैक्सिमम जो है स्पेस नहीं लगाते हैं, स्पेस लगाना है, तो इसे मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, तो ये हो चुका है। अब जो हमें करना है VBMeta, तो VBMeta जो मेरा लेटेस्ट वाला है और एक था जो पुराना जो 8KB का था, उसमें हमें कुछ डिसेबल बहुत लंबी कमांड थी, तो वो नहीं करना, ध्यान रखना। खैर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ले लेना, और कमांड डालना है फास्ट बूट फ्लैश
vbmeta.img। ठीक है, स्पेलिंग का आप ध्यान रखना, एरर आता है एक भर ग्रुप में, स्पेलिंग मिस्टेक था और एरर बता रहा था, ऐसा नहीं, आप स्पेलिंग देखो। और अगर आप पावर शेल में करते हैं तो आपको डॉट और स्लैश लगाना पड़ेगा, CMD में करते हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मतलब इतना ही फ़र्क है। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। सो ये देखिए, अब ये हमारा हो चुका है। अब हम अपने फ़ोन की तरफ देखेंगे और इसको रिकवरी में जो है पुश कर देंगे। तो ये देखिए, रिकवरी ओपन हो चुकी है। तो वर्जन ये रहा, मैंने जो रिकवरी करी थी। तो अब रिकवरी हो चुकी है और यहाँ पर हमारी Realme UI की फाइल, सो अभी नहीं है, अभी डाउनलोड कर नहीं ये रही। हाँ, तो Realme UI की फाइल, तो अब हम इसको क्लीन करते हैं पूरा पहले सेटअप को। तो रिकवरी में हम आ चुके हैं। अब आपको करना है, ये हमारी Realme UI की फाइल है, तो ये C6 वाली है, ठीक है, तो इसे फ्लैश करने, ध्यान रखना आपका जो है डेटा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है, वैनम आपका जो है डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। तो पहले करना है वाइप करना है, इसमें आपको वेंडर भी करना है, ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसा बिगनर समझ के बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वेंडर डेटा सब जो मैं कर रहा हूँ वो कर लेना है, और ध्यान रखें अपना बैकअप ले लें, तो कुछ प्रॉब्लम हो जाए आप बैकअप ले के रखें अपना। और अब जाना है इंस्टॉल पर और इसको फ्लैश कर देना है, तो ये कुछ थोड़ा टाइम लेगा, तो इसको रख देते हैं, फ्लैश होने देते हैं। तो गाइज़ ये हो चुका है। अब जो हमें सीधा अपने फ़ोन को जो है फॉर्मेट करना होगा। अगर आपको जो है रिकवरी रखनी है अपनी, तो TWRP प्लस और vbmeta वाला जिप जो है फ्लैश कर लेना, ठीक है। तो हमें सीधा फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट कर दिया है, और ये आपको एरर आएगा, इसको इग्नोर करना है और यहाँ पर रिबूट करना है, और एक ये एक नोटिफिकेशन आएगा आपके पास कि नो इज इंस्टॉल्ड, सो इसको भी आपको इग्नोर करना है और रिबूट करना है। सो आपका फ़ोन जो है एक बार और रिकवरी में पुश होगा, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। तो आप देख सकते हैं आपका डिवाइस जो है एक बार और रिकवरी में पुश हो चुका है, तो मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। सो आपको जो है एक बार से फिर से फॉर्मेट कर देना है। तो गाइस ये आपका हो चुका है, और अब मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ। तो हमने जो है TWRP हमने फ्लैश कर लिया है। अब तुम्हें करना है इंस्टॉल में जाना है और मैजिस डाउनलोड कर लेना है आप तुम्हें पहले। मैंने 20.3 लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो मेरे ग्रुप से ले लेना। उसको सेलेक्ट करना है और फ्लैश करना है। तो ये तुम्हारा डिवाइस जो है रूट कर देगा इसको, तुम्हारे डिवाइस को जो रूट कर देगा, तो ये होता है। और देन इसको बाद जो है रिबूट सिस्टम कर देना है, और कुछ नहीं। तो रिबूट सिस्टम कर देना। तो हो गया है बूट, और रूट भी हो गया हमारा डिवाइस। और आप कोई भी आप परमिशन ग्रांट कर सकते हैं जो रूट को सपोर्ट करती है। और बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, और बस बिगनर के तौर पे मैंने बता दिया कि कैसे करना है आपको, रूट कैसे करना है, TWRP कैसे इंस्टॉल करनी है, और Realme UI कैसे फ्लैश करना है। सारे Realme UI के वर्ज़न का ऐसा ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, रूट भी ऐसा ही करना है, और कोई रोम होगी आपको तब भी वैसे ही रूट करना है, ठीक है। तो और ज़्यादा कुछ नहीं, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो सभी ज्वाइन करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।